बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि पिछले 20-25 वर्षों से भारत पे आतंकवादी हमले हुए हैं और जब हमारी सरकार थी तो भी हुए हैं, लेकिन सच यह है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तक आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं, तब तक पाकिस्तान से घुसपैठ बढ़ जाता है, तब तक जो एक सीज फायर का वायोलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो याद करिए, हमारा प्लेन हाईजेक होता है, कंधार प्रकरण होता है, अजहर मसूद को साथ में बैठा के छोड़ा जाता है। याद करिए जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब इस देश के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, तो इन घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। वैसे ही जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो सीज फायर वायोलेशन है, युद्ध विराम का जो उल्लंघन है, वो लगभग 900 बार हो चुका है, घुसपैठें बढ़ी हैं लगभग 300% से ज्यादा। अभी पठानकोट की जो घटना घटी है वो साधारण घटना नहीं है, इंटेलिजेंस का एकदम सही इनपुट होने के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार नहीं रोक पाई। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, हमारी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन एजेंसियों में किसको कौन सी भूमिका निभानी चाहिए उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कहीं दिखा नहीं, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे जवान शहीद हो गए। ठीक है, हमारे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो हमारे एसेट्स थे वो बच गए, लेकिन आपके एयरफोर्स के बेस में घुस के वो इतना उत्पात मचाते हैं और सरकार की तरफ से एक सख्त जवाब नहीं गया। रक्षा मंत्री भी कल इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैसे उनकी जान बच गई, उनके आंखों में कोई गुस्सा दिखाई नहीं, वो न्याय दिलाएंगे इस अन्याय के खिलाफ ऐसा संकल्प भी नहीं दिखा। अब तक जब जब हमले होते थे तो भारत सरकार की तरफ से एक भूमिका स्पष्ट होती थी कि इसका बदला लिया जाएगा और जो हमलावर है उनको सजा दी जाएगी, लेकिन अभी हालत यह है कि सरकार की तरफ से पाकिस्तान का नाम लेने से भी लोग कतरा रहे हैं, न तो विदेश मंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने, न गृह मंत्री ने, तीनों में से किसी ने भी पाकिस्तान को दोष नहीं दिया। जो सड़क बनाने वाले मंत्री हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं, लेकिन जिसकी जवाबदारी है देश की रक्षा करना वो चुपचाप है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरापन और दोगलापन है उसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलेगा, जब विपक्ष में थे और चुनाव प्रचार में थे तब क्या कहते थे कि पाकिस्तान जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान घुटने टेक देगा, किसी को बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होगी, घुसपैठिए भाग खड़े होंगे। सबके सब कुछ उल्टा हो रहा है, और यह सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहने का किसी प्रकार का दबाव है। इस दबाव से हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री को निकलना पड़ेगा, पूरे भारत सरकार के एस्टेब्लिशमेंट को निकलना पड़ेगा और भारत के सर्वसामान्य नागरिकों की रक्षा का संकल्प